कमिश्नर अमित कुमार गुप्ता ने महानगर को जाम से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से ट्रांसपोर्ट नगर से नौसौ चौराहे तक निरीक्षण किया और निर्देश दिए कि सड़क के दोनों तरफ लगने वाले ठेलों और दुकानों को हटवाया जाए तथा डिवाइडर पर जो अवैध कट बन गए हैं उसको भी ठीक कराया जाए। इसके बाद कमिश्नर ने गीडा स्थित ट्रांसपोर्ट नगर का भी निरीक्षण कर वहाँ पर ट्रकों के खड़ा होने की व्यवस्था का जायजा लिया और निर्देश दिए कि सड़क के किनारे पड़े बेकार पुलों को तत्काल हटाया जाए तथा राजघाट पुल से हावड़ बंदे की ओर मुड़ने वाली रोड के किनारे बैरिकेटिंग कराने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान आईजी जय नारायण सिंह, एसपी सिटी विनय सिंह सहित लोक निर्माण विभाग एवं विद्युत विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कमिश्नर अमित कुमार गुप्ता ने कहा, रात में तो बड़ी निकलती है, 12 बजे से 2 बजे तक बड़ी गाड़ी निकलती है। आगे बाहर के वो सामान उतारती है वहाँ पर ट्रांसपोर्ट नंबर हो गया अभी कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, धीरे धीरे क्या देख, कई जो सड़कों के महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण हो रहे हैं, जैसे एयरपोर्ट तक जो सड़क बन रही है, हावड़ बंदे पर सड़क बन रही है, नौसड़ से बागागाड़ा सड़क बन रही है, उसको देखा गया और उसमें जो विभिन्न विभागों के साथ समन्वय की समस्या थी उनके बारे में सभी अधिकारियों के संग मीटिंग की गई और यही निर्देश दिया गया कि जल्दी से जल्दी सभी कार्यों को पूरा किया जाए। जाम को लेकर कई जगह जो अतिक्रमण जाम में बाधक हैं उनको हटाने के निर्देश दिए गए और जो सड़कों के कार्य हो रहे हैं उनको भी इस प्रकार करने के लिए कहा गया है कि जिससे ट्रैफिक संचालन में सुविधा रहे।